मंगलम सम्यक दर्शन बोध व्रतमलम रत्नत्रयम पावनम मुक्ति श्री नगराधिनाथ दिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाह धर्मः सूक्ति सुदाच चेतमखिलं चेत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममि कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलं नाभेयादि दिनादि पार्थि भुवन ख्याता चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो वरतेश्वर प्रवर्तयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णु लांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाले प्रसाद पुषा कुरवन्तु ते मंगलम कुरवन्तु मे मंगलम देवोष्टो चनयादिकादि गुणता विद्याधिका देवता श्रीति शंकर मातृका सिदनका यक्षाश यक्षसदा द्वात्रिंशत्ति दशाधिपाति त्रिसुरादि कन्यका चाष्टदा दिक्पाला दश्चैतमी सुरगणा कुरवन्तु ते मंगलम कुरवन्तु मे मंगलम ये सर्वौषधि दिद्यासुदपसो वृद्धिंगता पंच ये चाष्टांग महानिमित कुशला योष्टो विधाश्चारण पंच ज्ञान धरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाश्चिदा गणव्रता कुरवन्तु ते मंगलम कुरवन्तु मे मंगलम कैलासे बृहस्पति निर्बतमही वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुपूज्य सज्जनपते सम्मेदशैले रताम शेषाणामपि चोजयन्त शिखरे नेमीश्वरस्य आरतो निर्वाणावनयः प्रसिद्ध विभवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामर्गृहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूशाल्मलचेतु शाखिषु तथा वक्षाररूप्यादिषु इस्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम योगर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवलज्ञानभाक् यः कैवल्यपुरप्रवेशमहिमा संभावितः स्वर्गभिः कल्याणानि च तानि पञ्चशततम् कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम् इत्थं श्रीजिनमङ्गलमाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदम् कल्याणेषु महोत्सवेषु दयति शङ्कराणामुसाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैषु दिनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि मङ्गलाष्टकस्तोत्रम् श्रेयाः पद्मविकासवासरमणिः स्याद्वाद रक्षामणिः संसारोरगदर्भगारुणमणिः भव्योग्रचिन्तामणिः अश्रान्ताक्षयशान्तमुक्तरमणिः सामन्तमुक्तामणिः श्रीमान् देव शिरोमणि विजयते श्रीवीतरागः प्रभु आहारा भय भय सद सावधान दत्तावधाना खंडित फुटित दीर्ण दिन चैत्यालोदा दीर्णाम यात्रा प्रतिसादी सप्त क्षेत्र धन वितरण शीला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक का विधान सासरो रसावादन मदोत्कर मदगर समावरणा नाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंडावतरण नाम श्री चतुर्मिशति तीर्थंकर देव पदकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यासम मंगलासम तुष्टि पुष्टि आरोग्यासम भविजन क्रीमाणी जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु विराजमान है। यहाँ से आपको अभिषेक देखने को प्राप्त हो रहा है। 27 तारीख को पूज्य माता जी का मंगल पदार्पण ग्रीन पार्क नई दिल्ली में हुआ और उसके बाद 28 तारीख को पूज्य माता जी का मंगल पदार्पण बसंत कुंज दिगंबर जैन मंदिर सेमरोग स्कूल में हुआ और 29 तारीख कल पूज्य माता जी का मंगल पदार्पण प्रातःकाल द्वारका में हुआ है। आज यहाँ से अभी 7 बजे के बाद पूज्य माता जी का मंगल विहार विकासपुरी की ओर हो रहा है। आज का प्रवास विकासपुरी में रहेगा। जल का गलत हाथ में ले लें, आवाज बहुत हो रही है। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्भृत निर्जलनी यही है तेलो के भव्य जन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा ओम रीम श्रीम क्लीम ऐम हम 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 तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे जामी नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुरूप फुलार की कई धवल मंगल कांद बाव कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्भामी ती स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुर वचन इसके सदृश हूं
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वं 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 सं सं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्पकै चरसु दीप सुदुप फुलार्किकै दोल मंगलकांत बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गं निर्वामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पील कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुण्युत रसिक चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन तेज कर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वं 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 सं सं तं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल बाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा है मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गं निर्वामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्कर एग्र तप्तिकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वं 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 सं सं तं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते घृताभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्पकै चरस दीप सुदुप फुलार्किकै दोल मंगलकांत बाकुले जिन ग्रह जिनात्मा है मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गं निर्वामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामदिन समवांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वं 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 सं सं तं पं झं झं झीं झीं छीं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्पकै चरस दीप सुदुप फुलार्किकै दोल मंगलकांत बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा है मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की इतिहा एकत्रित हुई, क्या क्षीरो दधि पे हुआ बर्फ समी। अति मंगली के दस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगल महीने सौ के पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वं 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 सं सं तं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्पकै चरस दीप सुदुप फुलार्किकै दोल मंगलकांत बाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा है मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गं निर्वपामीति स्वाहा। सर्व औषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस्त्र मिलाए करके सर्व औषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करु नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वं 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 सं सं तं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते सर्व औषधि अभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्पकै चरस दीप सुदुप फुलार्किकै दोल मंगलकांत बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा है मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गं निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी, मांगल द्रव्य पर मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम दीम रूम राम रास यावसा नमः जय मंगलोत्तम करनाय कोण कलश अभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्पकै चरस दीप सुदुप फुलार्किकै दोल मंगलकांत बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा है मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक के पूर्ण प्रचंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन में विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों की। हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वं 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 सं सं तं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते चंदना लेपनम करोमि नमो रते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुख प्रदाय पुष्पवृष्टि करोमि नमो रते स्वाहा। मंगल आरती दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्प दीप ही पात्र अर्पित ही प्रतिदिन महतारिण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना हमारा गम तो भी बरोतारिया मित मंगल आरती ओरणम। उदक चंदन तंडुल पुष्पकै चरस दीप सुदुप फुलार्किकै दोल मंगलकांत बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा है मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मले आगिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधामुसेन्द्रित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वं 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 सं सं तं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलशे नपसेत्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्पकै चरस दीप सुदुप फुलार्किकै दोल मंगलकांत बाकुले
जिन ग्रह जिन्नात्मा हम ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें, एक झारी शरद जी को दे दो। शरद जी और आशीष जी आ जाइए, आशीष जैन, शरद जैन, श्री शरद जी कासलीवाल जो यहाँ द्वारका में श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के अध्यक्ष हैं और प्रशांत विहार में रहते हैं, प्रातः 6 बजे से ही आ करके भगवान के आपसे करने कर रहे हैं। हाँ, आशीष जी और शरद जी जारी ले लें और बाकी लोग हाथ लगा लीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षीणासे दोर्कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्व नाशाय सर्व प्रकृति द्रुपद विनाशाय सर्व श्याम राम रघुनाथ नम राम दीम रूम नम राम। असी आउषा नमः गणनी प्रमुख श्री ज्ञान मंदिर चतुर्विसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनिता जैन अस्य जैन संगपति श्रीमद नाम का निकुंद दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन ऋचा जैन अक्षत जैन नंदिनी जैन टी एम मुरादाबाद परिवार से संगपति श्री जिंदाद जी जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदी भसनापुर श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जैन वाराणसी श्रीमती सुधी अंकुश जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा श्री नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ इंजीनियर सी आर पाटिल सब देव ब्रह्मांगी दूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण कासलीवाल चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराज निवासी तो परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर श्री विनय कुमार जैन लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन जैन सभा नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी सदगण से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल औरंगाबाद सपरिवार से श्री सुमेश जी काला नासिक महाराज निवासी परिवार से सीम कुमारी सुहानी जैन के जन्मदिन की शुभकामनाओं सहित श्री दीपक जैन अंजू जैन नमी जैन कानपुर निवासी परिवार से श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन पुत्र आशु जैन रुचि जैन इंदौर श्री कैलाश चंद जैन सराफ लखनऊ स्वास्थ्य लाभार्थ परिवार के सदस्य आदिश जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ सपरिवार से स्वास्थ्य लाभार्थ श्री सुभाष चंद शुभचंद सुहेर जैन टिकैत नगर लखनऊ से परिवार से श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशुतोष निशा सिंह दिक्का विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली डॉक्टर दीना डॉक्टर संजय जैन अस्य जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस अश्मी आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोजी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दीक्षा मायरा राम शरण्या सेठी दीमापुर नागालैंड श्री जमुना लाल लक्ष्मी देवी अबाव श्री कमले दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी साइना माही पुण्या चार बीबी रफावत परिवार कलकत्ता मुंबई निवासी परिवार से श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार श्याम इनक्लेव दिल्ली स्वास्थ्य लाभा सपरिवार से श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन हरेमनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली सपरिवार से श्री अजीत कुमार अजमेरा धन्ना लाल मोहन लाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा निवासी परिवार से श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन श्रीमती अंजू जैन मुंबई निवासी परिवार से श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ श्रीमती निर्मला जैन प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु बिक्की जैन खारी बावली दिल्ली श्री आस्था अर्चिता जैन पीके जैन सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश सपरिवार से श्री अशोक जैन श्रीमती अलका जैन अविरल जैन सोनल जैन दिनेन जैन अतिथि जैन डालमिया सिविल लाइन दिल्ली सपरिवार से गणधर जैन सिविल लाइन दिल्ली सपरिवार से श्री रतन जैन श्री नीलम इंद्रनील संवर खुशी प्रियंका मायरा उज्ज्वला राहुल रमणी आदित्य सम्यक बक्सी परिवार दादर मुंबई निवासी परिवार से श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव हरिहंत जैन डालीगंज लखनऊ निवासी परिवार से श्री जीवनमल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या श्री विकास राकेश सलोनी रुचका आदि खुशी पांड्या कृष्ण ग्वालपाड़ा आसाम श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन
गौरव निसुजैन, पुनी सूरी जैन, योगिता राहुल जैन, उत्तम नगर नई दिल्ली सपरिवार से श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती इंदिरा जैन, भगत जी परिवार, कैलाश नगर दिल्ली सपरिवार से श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी कुशाग्र, लावणिया, भव्या चुड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री माणिक चंद, बीजी देवी, सुनील, राजे, नली जैन, जयपुर, राजस्थान, श्री शांति कुमार, ममता सोगानी, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, संदेश, आदित्य, प्रीति, नीला सोगानी, जापान वाले, जयपुर, राजस्थान निवासी परिवार से श्री शरद जैन, श्रीमती भरती, रजनी जैन, कासलीवाल, प्रशांत बिहार दिल्ली निवासी परिवार, श्री आजी जैन, द्वारका निवासी परिवार, सभी शानदार करने वाले, देखने वाले, सर्व ज्ञान आवरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंहभयम, सर्व अग्निभयम, सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुश कामलादि भयम, सर्वनिंदादि बंधन भयम, सर्वायान दुर्घटना भयम, सर्ववाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत विसार मंत्र डाकनी सर्व धनानि भयम्, सर्व व्यापारहानि भयम्, सर्व राज भयम्, सर्व चोर भयम्, सर्व दुष्ट भयम्, सर्व शत्रु भयम्, सर्व शोक भयम्, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम्, सर्व बैरम्, सर्व दुर्भिक्षम्, सर्व मनोव्याधिम्, सर्व आत्मरोध ध्यानम्, सर्व दुर्भाग्यम्, सर्व अयसः, सर्व पापम्, सर्व विद्याम्, सर्व प्रत्यवायम्, सर्व कुमतिम्, सर्व भयम्, सर्व क्रूर ग्रह भयम्, सर्व दुःखम्, सर्वाप मृत्युम्, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदान दायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा विसन्मति विदार वीर वर्धमान अमालंकृत श्री महावीर साधन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मे मरमाद्यानामादे जम्बुदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र आरखंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे द्वारका स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर स्थाने वीर संबत 2547 समय मासोत्तम मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे नवमी तिथौ शनिवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शानदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रीय पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार कासरासोकणाम चतुर्विसंगस्य श्रीमती चित्रा जैन प्रभात जैन शादी की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सपरिवारस्य श्रीमती श्री चिरंजीलाल जी कासलीवाल सुमती देवी कासलीवाल श्रीमती भावना जैन द्वारका निवासी परिवार से सभी शानदारा करने वाले देखने वाले शांतिम करो तो मंगलम तुम स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती काम देव रूप शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधि कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसः कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मलम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिग्राय सर्वपद्दो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन पद्मायाः मस्तकतोपरि शानदारं कृतं चतुर्भिस्संगस्य श्री शरद जैन कासलीवाल प्रशांत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री आशीष जैन द्वारका निवासी परिवार से चिरंजीलाल सुमती देवी भावना जैन द्वारका निवासी परिवार से श्री जय कुमार जैन गंगवाल बैजापुर महाराष्ट्र निवासी परिवार से सभी शानदारा करने वाले देखने वाले परिवार से सर्वशान भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम प्रशासका नाम च सर्वशांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु कोरोना वायरस निवारण करो गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा गुरु गुरु बसत स्वाहा। जब लो शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घ कई दवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में जो ओम श्री जिनेन्द्राय नमः पामिति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनहर साय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर
नाचत ताल मदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाए। हे करुणा निध भव दुख मेटो जाते मैं पूजो पर पाए। ओम रीम विश्व के सबसे बड़े 108 फीट के ऋषभ देव भगवान के श्री चरणों में ऋषभ गिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में दलारिकम नृपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम डिगधारी आनंद कारी दृक प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी। श्री शांतिनिनेतम नूतनक रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम द्यामतेशम मकरेशम। ओम रीम हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंचुनाथ अरेनाथ तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव तीन तीन पद के धारक जिनकी तीन प्रतिमाएं 31-31 फुट की विराजमान जम्बूदी विशल पर उनके चरणारविंद में जलार्घ्य नृपामीति स्वाहा। नीरगंधे क्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफल आदि अर्घ्य तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए निकरा। ओम रीम द्वारका में श्री पार्श्वनाथ दिगम्बजम मंदिर में विराजमान भगवान पार्श्वनाथ के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दल फल वसु सदी मतार तन मन मोद धरो गुण गाऊ बहुदितार पूजत पापी हरो। ओम रीम कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धि कारक जम्बूदी भस्नापुर में कमल मंदिर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में जन्मभूमि कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। उदक चरण ओम रीम राजधानी दिल्ली में विराजमान 31 फीट के भरत भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। ओम रीम बाहुबली भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। ओम रीम चार्य चक्रवर्ती 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य आचार्य शांति सागर वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान पट्टाचार्य अनेकान सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पिछी का मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम चारिचंद्रिका भारत गौरव गणनी प्रमुख राजधानी दिल्ली में भरत स्वामी की प्रतिमा विराजमान करने वाली आज द्वारका में भगवान पार्श्वनाथ के श्री चरणों में गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी जिनका चातुर्मास इस वर्ष ये 69वां चातुर्मास पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का राजधानी दिल्ली में संपन्न हो रहा है। चातुर्मास का समापन दीपावली 4 नवंबर को अमावस्या की प्रातः काल 4-5 बजे संपन्न होगा और चातुर्मास संपन्नता के बाद भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण लाडू चढ़ाने का पुण्य अवसर और सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। मात्र 2548 रुपये यानी भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष गए 2547 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 2548वां वर्ष प्रारंभ होगा। इस उपलक्ष में जो भी महान भाव राजधानी दिल्ली के अंदर भरत ज्ञान असली तीर्थ पर मात्र 2548 रुपए की छोटी सी राशि प्रदान करके निर्वाण लाडू चढ़ाने का पुण्य अवसर लेना चाहते हैं तो लगातार उन्हें महाशांतिधारा में नाम एवं निर्वाण लाडू चढ़ाने का पुण्य अवसर पुण्य संयोग प्राप्त होगा। और इसके साथ दीपावली के दिन आप सभी को लक्ष्मी और सरस्वती केवल ज्ञान के स्वरूप लक्ष्मी और सरस्वती की आराधना पूजा करनी है। शाम को भगवान महावीर स्वामी की पूजा गौतम गणधर स्वामी की पूजा लक्ष्मी सरस्वती की पूजा आप सभी को करनी है। लक्ष्मी सरस्वती अष्ट धातु की प्रतिष्ठित की हुई भरत ज्ञान असली तीर्थ कनॉट प्लेस गोल मार्केट के निकट में वहां पर उपलब्ध है। जो भी महानुभाव दिल्ली और NCR के लोग चाहे वहां पर जाकर के ले सकते हैं मात्र 3100 रुपए की निशाव राशि देकर के और प्रतिष्ठित लक्ष्मी और सरस्वती वहां से लेकर के और अपने प्रतिष्ठान में रखें और दीपावली के दिन उनकी पूजा करके पुण्य लाभ प्राप्त करें और 2548 रुपए की छोटी सी राशि देकर के निर्वाण लाडू चढ़ाने का ज्ञानशली तीर्थ भरत ज्ञानशली तीर्थ पर निर्वाण लाडू चढ़ाने का पुण्य अवसर प्राप्त कर सकते हैं। आप स्वयं प्रातःकाल 6 बजे आए भगवान महावीर स्वामी का अभिषेक करें और उसके बाद निर्वाण लाडू 108 किलो का और छोटे निर्वाण लाडू चढ़ाने का यह अवसर आपको
भरत ज्ञान असली तीर्थ पर प्राप्त होगा। पूजगणनी ज्ञानमती माता जी का सत्संग सानिध्य और आचार्य अनिकांत सागर महाराज का सत्संग सानिध्य आपको वहां पर प्राप्त होगा। तो अब आज यहां से भी पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन प्रवचन होगा और उसके बाद ये लाइव टेलीकास्ट 6:55 तक चलेगा। उसके बाद पूजगणनी ज्ञानमती माता जी का यहाँ से विकासपुरी की ओर मंगल विहार होगा। आज विकासपुरी में पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन होगा दोपहर में और सुबह पहुंच करके, और विकासपुरी में ही आहारचर्या रात्रि विश्राम आज विकासपुरी में रहेगा। कल का आहार और विहार और रात्रि विश्राम प्रशांत विहार श्री शरद जैन कासलीवाल उनके निवेदन पर पूज्य माता जी कल प्रातःकाल प्रशांत विहार के लिए विकासपुरी से विहार करेंगी। तो ये सूचना आज और कल की है। आज का विश्राम विकासपुरी में रहेगा। सभी लोग जो भी दर्शन के लिए आना चाहते हैं दोपहर में 3 बजे आकर के और दोपहर के कार्यक्रम में भी सम्मिलित हों, प्रवचन में सम्मिलित हों, आसपास के उत्तम नगर जनकपुरी और जो भी हमारी आवाज़ सुन रहे हैं सभी लोग, सभी भक्तगण विकासपुरी में पहुँच करके और पूज्य माता जी के दर्शन का प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। सिद्धेभ्यः ओम नमः 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 सिद्धेभ्यः ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्वशान्तिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्वशान्तिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। मध्यात्मा श्री गौतम स्वामी कहते हैं सुदम में आओ संतो, हे आयुष्मंतो, मैंने सुना है भयवदा महादि महावीरेण महाकश्यपेन समन्वना सवलो दर्शना, भगवान महावीर जो सर्व के सरदर्शी हैं विहार माने न, जो यहाँ विहार कर रहे हैं पृथ्वी तट पर, ऐसे भगवान महावीर स्वामी के दिव्य धन्य से मैंने सुना है, मैंने पाया है। क्या तीर्थंकर भगवंतों के 24 आय अरहंतेषु, तीर्थंकर भगवंतों के जीवन व्रत जीवन चरित्र को मैंने सुना है, और भगवान महावीर स्वामी का जीवन परिचय बताते हुए कह रहे हैं, भव्यात्माओं मैंने आपको भगवान महावीर स्वामी का संक्षिप्त जीवन परिचय बताया कि शुरू में ये पुनर्वाभील विजय क्षेत्र के एक वन में पुनर्वाभील मध्यमास मधु का त्याग करके स्वर्ग में देव हुए, पुनश्च मरीचि कुमार हुए, और उन्होंने 363 पाखंड मतों को प्रचारित करके अनेक प्रकार के मत मतांतरों का प्रचार प्रसार करके पुनश्च अनेक प्रकार की तपस्या के प्रभाव से भले ही स्वर्ग को प्राप्त किया, कई भावों तक मनुष्य और स्वर्ग भाव को प्राप्त करते रहे, पुनश्च त्रस्त स्थावर की योनि में चले गए। लगभग एक कोड़ा कोड़ी का सागर तक, कुछ कम एक कोड़ा कोड़ी सागर काल तक एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि त्रस्त पर्याय में स्थावर पर्याय में भ्रमण करते 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 पुनश्च मनुष्य पर्याय प्राप्त करके और तपस्तरण आदि के प्रभाव से और निदान पूर्वक मरण करके बदला लेने की भावना पूर्वक मरण करके स्वर्ग में देवपद को प्राप्त करके और सुरम्य देश के पोदनपुर में प्रजापति महाराज की जवानी जयावती महारानी से ये त्रिपृष्ठ नाम के पुत्र हुए, ये अर्धचक्री हुए हैं, और इनके एक भाई बलभद्र हुए, बलभद्र और नारायण पद के धारक हुए, अर्धचक्री हुए, और अपने प्रतिद्वंदी अश्वग्रीव प्रतिनारायण को मारकर उसके चक्र को प्राप्त करके चक्रवर्त के स्वामी हुए, अर्धचक्री कहलाए। 3 खंड का
एक छत्र शासन बहुत काल तक किया और बहुत काल तक करके ये राज्य अवस्था में ही मरण प्राप्त करके सातवें नरक में चले गए। कहाँ अर्धचक्री तीन खंड के स्वामी और इतना वैभव, और कहाँ पुराह मरण करके सप्तम नरक को प्राप्त करना। ये सूक्ति भी है, मरे राज्य में नरक लहाए। जो राज्य में मरते हैं बिना समाधि पूर्वक, वो नरक में चले जाते हैं, और जो दीक्षा लेकर के समाधि पूर्वक शरीर को छोड़ते हैं वो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। किंतु अर्धचक्री का नियम है, कुछ नियोग है, वो अर्थधान से मर करके और नरक को प्राप्त कर लेते हैं। नरक में सात्य नरक में असह्य दुखों को भोग कर वहाँ की आयु पूर्ण करके पुनश्च सिंह पर्याय में आए। ये नियम है, सातवें नरक से निकला हुआ नारकी नियम से तिर्यन चोनी को ही प्राप्त करेगा, और तिर्यन चोनी में प्राप्त होकर के पंचेंद्रिय तिर्यन होकर के सिंह व्याघ आदि क्रूर प्राणी होकर के पुनः नियम से एक बार नरक जाएगा। सातवें नरक का निकला हुआ नारकी क्रूर तिर्यंच होकर के पुनः से एक बार पुनः नरक जाता ही जाता है। पुनः नरक गए, पहले नरक गए और प्रथम नरक से निकल करके इसी जम्बूद्वीप के हिमवन पर्वत पर सिंह हो गए। किसी समय ये सिंह एक हिरण का शिकार करके और एक हिरण का शिकार कर रहा था, अकस्मात आकाश से दो महामुनि चारणधारी दो महामुनि वहाँ उतरते हैं और संबोधन करते हैं कि हे भव्य मृगराज, हे भव्य मृगराज, तू ये हिंसा कर्म करके एक बार नरक प्राप्त कर चुका है, पुनः से नरक जाना चाहता है क्या? अब ये हिंसा को छोड़, अहिंसा धर्म को स्वीकार कर। तूने मरीचि की पर्याय से एक कोड़ा कोड़ी सागर तक, कुछ कम एक कोड़ा कोड़ी सागर तक लगभग कितने दुख उठाए हैं, नरकों के, निगोदों के, एक इंद्रिय आदि, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय आदि पर्यायों के परिभ्रमण से। अभी तो थका है कि नहीं? थक गया है तो अब मेरी बात सुन। ऐसा संबोधन मुनिराज कर रहे थे कि एकदम उस सिंह को जाति स्मरण हो गया, एकदम पूर्वों का याद आ गया। ओहो, मैंने भगवंतों की वाणी को नहीं स्वीकार किया तो आज इस तिर्यन चोनी में परिभ्रमण कर रहा हूँ, और कितने ही नरक और निगोदों के दुख उठाए हैं, त्रसिशा और योनियों में कितने काल बिता दिए। भगवान महावीर का जीव उस दसवें भाव में सिंह की पर्याय में चिंतन कर रहा है कि ओहो, मैं तीर्थंकर का पौत्र, चक्रवर्ती भरत का पुत्र होकर भी और धर्म का अनादर किया, अहिंसा परमो धर्म का अनादर किया, जैन धर्म का अनादर किया, भगवान की वाणी को नहीं सुना, भगवान की वाणी का अनादर किया, तो नाना प्रकार के मन गढ़ंत अनेकों मत चला दिए, भगवान की वाणी को न स्वीकार करके अनेकों मत चला दिए। इन मन मत मतांतरों के निमित्त से, नाना प्रकार के पाखंड मतों के निमित्त से मैंने अनंत संसार जैसे एक कोड़ा कोड़ी सागर तक, कुछ कम एक कोड़ा कोड़ी सागर तक, असंख्यातों कल्पकाल तक भ्रमण करके और कितने दुख सहे हैं। एकदम उसके आँखों से अश्रुधारा गिर पड़ी, गुरु के चरणों के निकट बैठ गया और उसके आँखों से अश्रु की धारा बह चली। जब महामुनि दोनों एक शिला पर बैठ गए और बैठ करके
उसे उपदेश देते हैं कि हे भव्य मृगराज, मैंने अभी विदेह क्षेत्र में श्रीधर केवली के मुख से सुना है कि तू इससे दसवें भाव में अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर होगा। मैंने श्रीधर भगवान के तीर्थंकर श्रीधर भगवान के मुख से सुना है, उनकी जीवधनी से सुना है, पाया है कि तू आगे इस सिंहपर्याय से दसवें भाव में तीर्थंकर महावीर होने वाला है, भगवान तीर्थंकर अवतार लेने वाला है। अब तू हिंसा को छोड़, अहिंसा परमो धर्म को स्वीकार कर, आगे जाकर तू अहिंसा का अवतार होने वाला है। एकदम सिंह को उस समय कुछ शांति मिली और गुरु के चरण सानिध्य में बैठ करके एकदम अंशुल की धार गिरा रहा है और गुरु का उपदेश बड़े प्रेम से सुन रहा है। गुरु ने उसने बहुत देर तक उपदेश दिया, संबोधित किया, उसके मस्तक पर हाथ फिराया, उसके पूरे शरीर पर हाथ फिराया। गुरु ने बड़े प्रेम से, बड़े वात्सल्य से उसका स्पर्श करते हुए और सिंह को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मृगराज, अब तू सम्यक दर्शन को ग्रहण कर, जो अनंत संसार के दुखों से छुड़ाने वाला है। सम्यक दर्शन रूपी रत्न को ग्रहण कर और पंच अणुव्रत को ग्रहण कर। आप ध्यान रखो, सैनी पंचेंद्री पंच अणुव्रत को ग्रहण कर लेते हैं, सम्यक दर्शन और पंच अणुव्रत को ग्रहण कर लेते हैं। आप मनुष्य होकर के सहज ही सम्यक दर्शन को ग्रहण करके पंच अणुव्रत अवश्य बने। पंच अणुव्रत कोई बहुत कठिन चीज नहीं है, संकल्पी हिंसा का त्याग। हिंसा के चार भेद हैं, संकल्पी हिंसा, विरोधनी हिंसा, उद्योगी हिंसा और आरंभी हिंसा। आरंभी जो आपके गृहस्थाश्रम में होती है, उद्योगनी जो व्यापार के निमित्त से थोड़ा बहुत हो जाती है, और विरोधनी जो अपने देश पर या अपनी महिलाओं पर, सतियों पर कोई आक्रमण करे तो उसका प्रतिकार करना। जैसे श्री राम ने सीता के सतीत्व की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए रावण के साथ युद्ध किया, तो इस प्रकार से ये विरोधनी हिंसा भी गृहस्थाश्रम में क्षम्य है। तो गृहस्थाश्रम में रहकर संकल्पी हिंसा का त्याग करना। तीरंज भी संकल्पी हिंसा का त्याग करते हैं। उसने मांसाहार का त्याग किया, हिंसा का त्याग किया, अहिंसा अनुवृत्ति बना और सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह प्रमाण, वो तो क्या समझे, उसके बाद परिग्रह क्या है। और सब कुछ छोड़कर उसने संलेखना धारण कर दी। मुनिराज उसे नमोकार मंत्र महामंत्र सुनाते सुनाते वो तो अपने आकाश से विहार कर गए, आकाश मार्ग से। ये सिंह यहाँ संलेखना पूर्वक शरीर को छोड़ करके और स्वर्ग में देव हो जाता है। तो मैं व्यातना बात यह है, इस प्रकार से तिरियंचों के भी पांच गुणी स्थान होते हैं, ध्यान रखें। नरक में नारकियों के केवल सम्यक दर्शन हो सकता है किसी के संबोधन से अथवा जाति स्मरण आदि से। देवों को सम्यक दर्शन हो जाता है भगवंतों के दर्शन से, आपस में एक दूसरे के संबोधन से, गुरुओं के संबोधन आदि से, भगवान के संवत्सर आदि में आने से। नरक और तिरंचों में, तिरंचों के पांच गुण स्थान है, संयमा संयमी बन सकते हैं, अनुवृत्ति बन सकते हैं, किंतु नारकी और देहों के चतुर्थ गुण स्थान तक ही होता है, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि बन गए, चतुर्थ गुण स्थान वृत्ति। आप श्रावक अगर अनुवृत्ति हैं तो पंचम गुण स्थान वृत्ति है, और अगर सम्यक दृष्टि है तो प्रथम गुण स्थान वृत्ति है, चतुर्थ गुण स्थान वृत्ति है। और सम्यक ग्रहण नहीं किया है, मिथ्यात्व का त्याग नहीं किया है, तो आप में से कोई भी हो वो मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। अगर आपने मिथ्यात्व का त्याग कर दिया है और भगवान जिनेन्द्र देव के द्वारा बताए हुए देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करते हुए शाश्वत अनादि निधन
जैन धर्म पर दृढ़ श्रद्धा रखते हुए अपने सम्यक दर्शन की उन्नति करते हुए मैं बीच में आपको एक बात और बताऊं। अभी आप यहाँ पंचावृत अभिषेक देख रहे हैं, महिलाओं ने भी किया, हमारी बहनों ने भी किया, आपने भी किया। ये परंपरा अनादि है, आप ध्यान रखें। श्री पूज्यपाद स्वामी, आप नोट कर लें, श्री पूज्यपाद स्वामी विक्रम संवत 302 में हुए हैं। अभी विक्रम संवत है 2077, विक्रम संवत 302 में हुए हैं श्री पूज्यपाद स्वामी। उनके द्वारा लिखा हुआ आपसे एक पाठ और भी आचार्यों के द्वारा लिखे हुए आपसे एक पाठ, श्री गुणभद्र स्वामी के, श्री अभयनंद सूरी आदि के 16 आपसे एक पाठ छपे हुए हैं जो ईस्वी सन 1934 में छपे हैं, इन 1936 में लगभग छपे हैं। पुराने अभिषेक पाठ संग्रह हमारे पास है, आप कोई भी उसे प्राप्त कर सकते हैं, उसकी फोटोकॉपी करा सकते हैं। 16 अभिषेक पाठ हैं आचार्यों द्वारा प्रणीत, उसमें पंचावृत अभिषेक, शासन देव देवी को मानना, पद्मावती आदि को मानना, उनको अर्घ समर्पित करना आदि। और आज कोई ऐसे भी साधु विचरण कर रहे हैं जो पद्मावती को चप्पल जूती की उपमा दे देते हैं। बातें किसी को कुछ कहने से रोका नहीं जा सकता आज, लेकिन आगम के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो पाएंगे पूज्यपाद स्वामी जैसे आचार्यों ने शासन देव देवी क्षेत्रपाल दिक्पाल आदि के लिए अर्घ चढ़ाने का विधान किया है। मंत्र हैं उनके द्वारा रचे हुए, जो शासन देव देवी की आराधना के मंत्र हैं आचार्यों के द्वारा लिखे हुए। हमें और आपको उन पर विश्वास रखना चाहिए, आचार्यों की वाणी पर विश्वास होना चाहिए। श्रवण बेल गोलादिकों में परंपरा चली आ रही है पंचावृत अभिषेक की, तो ये पंचावृत अभिषेक परंपरा अनादि है। ये भीष्मपंत परंपरा जिसे आज कहते हैं अनादि है। और उसके बाद में विक्रम संवत 753 में काष्ठा संघ चला है, एक काष्ठा संघ। आजकल कुछ लोग कह देते हैं, कोई साधु भी कह देते हैं कि ये पंचावृत अभिषेक करना शासन देव देवी की माना है, काष्ठा संघ की परंपरा है। ध्यान रखें, ये काष्ठा संघ की परंपरा नहीं है, मूल संघ की परंपरा है, कुंदकुंद आमनाय की परंपरा है। कुंदकुंद स्वामी ने स्वयं गिरनार में शासन देवी को, अंबिका देवी को पीछे रखकर के बुलवा दिया था, सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर, सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर। तो ये परंपरा शासन देव देवी को मानने की, पंचावृत अभिषेक आदि की परंपरा अनादि है, आचार्यों के द्वारा कथित है। काष्ठा संघ विक्रम संवत 753 में हुआ है। और तेरा पंथ की परंपरा आप नोट कर लें, बनारसी दास के आर्य कथानक में भी आया है, बहुत जगह आया है शास्त्रों में। तेरा पंथ की परंपरा विक्रम संवत 1683 में शुरू हुई है, विक्रम संवत 1683 में तेरा पंथ स्थापित हुआ है, आप ध्यान में रखें। तो ये जो है आचार्य श्री शांतिसार जी महाराज और आचार्य श्री वीरसार जी महाराज, उनके पट्टासीन अभी सातवें पट्टाचार्य हमारे वर्तमान में जिन्हें सातवां पट्टाचार्य बनाया गया, जिस परंपरा का, शांतिसार जी की परंपरा का, वो अनेकांचार्य महाराज यहाँ विराजमान है राजा बाजार मंदिर में। और भी दो साधु हैं उस परंपरा का निर्माण करने वाले, हमारे विद्यानंद आचार्य भी थे, हम लोगों से परिचित रहे, हम लोगों ने सब मिलकर एक साथ निर्वाण महामहोत्सव में काम किया है। सन 1972 से मैं दिल्ली आई हूँ, यहाँ 24 कल्पद्रुम विधान जबजिंग रोड पर हुए थे और 26 शांति विश्व शांति महावीर विधान हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय निर्वाण महामहोत्सव मनाया गया, कैलाश पर्वत की रचना की गई थी, 72 जिन प्रतिमा रत्नों की विराजमान करके महामहोत्सव हुआ था, 1008 निर्वाण लाडू चढ़ाए गए थे सन 2000 में। तो बात यही है कि यहाँ अनेकों धन प्रभावना के कार्यक्रम संपादित हुए हैं, होते रहे हैं और होते रहेंगे। अभी मेरी भावना के अनुसार कनाट प्लेस में जो भगवान भरत विराजमान हुए हैं, ये एक समझ लीजिए इस शताब्दी का एक अतिशय चमत्कार हुआ है, एक अतिशय महान आश्चर्य चमत्कार हुआ है कि जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत, मैंने कल भी आपको बताया था, अनेकों ग्रंथों में प्रमाण है
वैदिक ग्रंथ में भी जैन ग्रंथों में भी कि ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत, उनकी प्रतिमा यहाँ विराजमान हुई है। सबसे पहले आचार्य रत्न भारत भूषण श्री देश भूषण महाराज ने अयोध्या में सन 1952 में भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली की प्रतिमा विराजमान करके पंचकनारक प्रतिष्ठा कराई थी सन 1952 में, और 1952 में ही मैंने घर छोड़ा है और मुंबई में आपको कल हमारे पीठाधीश जी ने बताया था, मुंबई में पोदनपुर में आचार्य श्री नेमिसार महाराज ने ऋषभदेव भरत बाहुबली की प्रतिमा विराजमान की है, और हस्तिनापुर में भी जम्बूदेव स्थल पर तीन मूर्ति मंदिर में ऋषभदेव भरत बाहुबली विराजमान हैं। लेकिन केवल भरत की प्रतिमा विराजमान करने का अलग से एक विशेष आकर्षण का केंद्र भरत भगवान विराजमान यहाँ हुए हैं। यद्यपि पहले उसमें ह्रीम में 24 तीर्थंकर विराजमान है, रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान है ह्रीम में, और ऋषभदेव भगवान भी सवा फुट के विराजमान हैं। ऋषभदेव ह्रीम और भरत इन तीनों की पंचकनार प्रतिष्ठा अभी संपन्न हुई है ज्येष्ठ मास में मई जून में। तो भव्यात्माओं, ये यहाँ आकर के आज द्वारिका में मैंने नाम सुना था, स्वामी जी आए थे और यहाँ उनको आपने जगत गुरु नाम से उपाधि से अलंकृत भी किया है। आज यहाँ आकर दर्शन करके मन बहुत प्रसन्न हुआ, भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा का भव्य दर्शन करके और रत्नों की प्रतिमाओं के दर्शन करके त्रिकाल चौबीस आदि के दर्शन करके मन प्रसन्न हुआ। सचमुच में ये जिन मंदिर ये जिन प्रतिमाएं इनके दर्शन का पुण्य अनंत अनंत उपवास का पुण्य प्राप्त होता है, इनके दर्शन से अनंत उपवास का पुण्य प्राप्त होता है, अनंत उपवास का पुण्य पद्म पुराण में लिखा हुआ है। दर्शन करने की भावना से बेला का पुण्य, चल पड़े तो तीन उपवास का पुण्य, पुनः दस उपवास का पुण्य, मंदिर के प्रांगण में आए हजार उपवास का पुण्य, और भगवान के दर्शन करते ही स्तुति पढ़ते ही अनंत उपवास का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो भव्यात्माओं, ये मंदिर और ये तीर्थ जयवंत रहे, और भगवान महावीर का आने वाला जो भी निर्वाण दिवस है हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो, अगला वीर निर्वाण संबंध भी मंगलकारी हो। आप लोग वीर निर्वाण संबंध को हमेशा मनाते रहें, और जैसा कि आपको बताया है कि शाम को सायंकाल में गौतम गणधर स्वामी उनके चरण और सरस्वती लक्ष्मी आदि की पूजा करके और सम्यक दर्शन को दृढ़ रखें, इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव देवी शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। बंधुओं, एक पूजा में आपने पढ़ा होगा, श्रीमती चित्रा जैन प्रभात जैन फरीदाबाद, ये चित्रा जैन जो है राजा बाजार के हमारे जीरेन्द्र प्रसाद जी ठेकेदार की सुपुत्री हैं, और उनका आज शादी की वर्षगांठ पर 85 वर्षगांठ पर उन्होंने आशीर्वाद मांगा है। आज उनकी 85 वर्षगांठ यानी स्वर्ण जयंती, उनके लिए यहाँ पारस चैनल के माध्यम से उन दोनों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। महाराज जी चाहते थे कि पूज्य ज्ञानमती माता जी जब द्वारका में रत्नत्रय मंदिर के दर्शन करने जाएं तो मैं भी साथ में रहूं, लेकिन कुछ कार्यक्रम ही इस तरह बना कि बहुत जल्दी जल्दी में अटेंडम परसों कार्यक्रम बना और कल हम लोग आ गए। लेकिन मंदिर का चप्पा चप्पा देखकर मन में अत्यंत आह्लाद हुआ और ये चिंतन आया कि गुरुजन जिस कार्य की प्रेरणा देते हैं उसके पीछे दूरदर्शिता छिपी हुई होती है। हर स्थान पर कहीं रत्नों की प्रतिमा है, कहीं पाषाण की प्रतिमा है, नीचे से लेकर ऊपर तक जैनत्व का यह प्रतीक युग युग के लिए अविस्मरणीय हो गया। ऐसे ही गुरु माता की प्रेरणा से ही भरत भगवान की प्रतिमा प्रकट हो गई, विराजमान हो गई, तो अब दिल्ली जो है बहुत अच्छा सुंदर तीर्थ बन गया। रत्नत्रय धारी की प्रेरणा से बने इस रत्नत्रय मंदिर में आकर
भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन किए और भावना बनी कि भगवान पार्श्वनाथ हमें उपसर्गों से, कष्टों से निपटने की, संघर्षों को झेलने की क्षमता प्रदान करें। कई दिनों से चल रही थी भावना, हमारी भावना बहुत सारे लोगों को लेकर के आचार्य श्री की आज्ञा से कई बार आई कि माताजी रत्नत्रय मंदिर द्वारका के अंदर आप आइए, लेकिन असंभव जैसा लगता था, काफ़ी दूर था कनॉट प्लेस से, पर असंभव भी संभव बना। हमारे शरद जी कास्लीवाल की प्रेरणा रंग लाई और हम लोग यहाँ तक आए और आज पूज्य माता जी के साक्षात मुखारविंद से आप सब प्रवचन सुन रहे हैं। देखो, संसार के अंदर दो प्रकार के लोग होते हैं, कुछ लोग आलसी होते हैं और कुछ होते हैं पुरुषार्थी। आलसी लोग क्या कहते हैं, इट इज पॉसिबल बट डिफिकल्ट, ये संभव तो है लेकिन बड़ा मुश्किल है, और ये कह के लोगों के उत्साह को मंद कर देते हैं। लेकिन पुरुषार्थी क्या कहते हैं, इट इज डिफिकल्ट बट पॉसिबल, ये कठिन है लेकिन संभव है, असंभव नहीं है। मैंने देखा है प्रारंभ से ही कि ज्ञानमती माता जी की डायरी के अंदर, इनकी डिक्शनरी के अंदर कहीं इम्पॉसिबल, कहीं असंभव शब्द नहीं है, और ये कहती हैं जीवन में सब कुछ संभव है। यदि नरक निगोद से निकलकर मोक्ष में जाना संभव है तो संसार में सब कुछ करना संभव है। और इसी पॉसिबल, इसी संभव शब्द के कारण हम सोच नहीं पाते थे कि 87 साल की उम्र में, अब माता जी मांगी तुंगी की इतनी लंबी यात्रा करके जब हस्तिनापुर पधारी हैं, इनकी इच्छा है कि मेरा अधिक से अधिक समय भगवान के चरणों में तीर्थ पर निकले, अब हम दिल्ली जाएंगे, ये संभावना नहीं दिख रही थी। पिछले साल आने की बात थी लेकिन कोरोना ने उसको इम्पॉसिबल कर दिया था, पर इन्होंने कहा नहीं, कोरोना हो कुछ भी हो, ये तो पॉसिबल तो है, इट इज डिफिकल्ट बट पॉसिबल, तो वह असंभव भी संभव हुआ। और आज भगवान भरत जो बाहुबली के बड़े भाई थे, और बाहुबली को यहां देखा जो भरत के छोटे भाई थे, दोनों के त्याग की महिमा शास्त्रों में अचिंत्य कही गई। लोग जब लड़ते भिड़ते हैं उन्हें रोका जाता है तो कहते हैं भरत बाहुबली भी तो लड़े थे, ये बात तो ले लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि जीत करके भी राज्य को छोड़ दिया बाहुबली ने, और जीत करके राज्य किया तो कितने अनासक्त मन से भरत जी ने राज्य किया, ऐसा राज्य किया कि मस्तक पर तलवार लटक रही है काल की, और हमेशा अध्यात्म में लीन रहे, आत्मा में अनुरक्त रहे, और दीक्षा लेते ही क्षण मात्र में केवल ज्ञान हो गया। ये केवल एक मात्र ही उदाहरण है भरत जी का। तो जब भी आपके घर में कोई लड़ने की बात कहे और भरत बाहुबली का उदाहरण दे, तो इतना भी जरूर उनको ध्यान दिलाना कि भरत बाहुबली के समान त्याग को भी सीखो। और ये त्याग रहा, इसीलिए इस देश का नाम भरत के नाम पर पड़ा, भारत पड़ा, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, इंडिया, इन सब नामों से तो जानते हैं लेकिन भारत नाम सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ। और आज भरत की परंपरा को निर्वाह करने वाले संतगण तपस्या करते हैं, तो इसलिए इस भारत की सार्थकता पर आप सबको भी गौरव होना चाहिए। आप सब मिल करके बोलिए, हम भारत के भारत में है अभिमान करो रे, हम भारत के हम वीर के शासन में है श्रद्धान करो रे, हम वीर के श्रद्धान करो रे, हम भारत के भारत में अभिमान करो रे, हम भारत के भारत में अभिमान कर।
जहाँ अध्यात्म की प्रभा में रत रहते हैं मुनिगण, जहाँ आत्मा की प्रभा में रत रहते हैं मुनिगण, जहाँ स्वात्मा की साधना के गूंजते हैं सर, जहाँ स्वात्मा की साधना के गूंजते हैं सर, उसी देश में हम रहते हैं अभिमान करो रे, उसी देश में हम रहते हैं अभिमान करो रे, हम भारत के भारत में अभिमान करो रे, हम वीर के शासन में गुणगान करो रे। जब लो भरत सिद्ध परमेश्वर भगवान की, महावीर भगवान की, भरत के भारत में आज हम सब महावीर भगवान के शासन में है, ऐसा कट्टर श्रद्धान रखते हुए गुरुओं की वाणी को सुनकर अपने मानव जीवन को हमेशा सफल करें और जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं का दर्शन करके सम्यक दर्शन को दृढ़ कीजिए, यही आपके लिए प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद। जब लो पार्श्वनाथ भगवान की।